नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दिन दहाड़े बैंक से ले उड़ा 5 लाख। मध्य प्रदेश के सागर स्थित बंडा के शाहगढ़ भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। कैश काउंटर से 5 लाख रुपए ले गया अज्ञात चोर। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बैंक से 5 लाख लेकर लगभग 300 मीटर पैदल जाकर टैक्सी से निकल गया चोर। शाहगढ़ भारतीय स्टेट बैंक के कैश काउंटर से अज्ञात व्यक्ति 5 लाख रुपए का बंडल ले गया और कर्मचारी बैठे रहे। चोर बड़ी ही दबंगाई से सीसीटीवी कैमरा में जाते हुए दिख रहा है। बैंक कर्मचारियों को लगभग 15 से 20 मिनट बाद जानकारी लगी कि काउंटर से 5 लाख गायब हैं। घटना लगभग 12:30 बजे दोपहर की है। चोर कैश काउंटर से बंडल लेकर बाहर जाते दिख रहा है। बैंक और पुलिस चोर की तलाश में सीसीटीवी कैमरे एवं जगह जगह तलाश करने में जुटे हैं। सागर बंडा से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। राज्य स्टेट बैंक में 5 लाख की चोरी का मामला आया, उस बारे में बताइए। जी, आज यहाँ कस्बा सागर में वार्ड नंबर 12 है, वहाँ पर स्टेट बैंक की ब्रांच है। वहाँ पे दिन में लगभग 1 बजे के आसपास एक अज्ञात लड़के द्वारा 22-23 साल का हुआ, जैसा हमने फुटेज में देखा है, तो वो जो कैशियर थे अपने दराज में पेमेंट के लिए पैसे रखे होंगे और उस समय वो टॉयलेट चले गए। बगल के जो उनके और काउंटर वाले थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैनेजर साहब अपने केबिन में थे और वो शायद काफी पहले से बैठा होगा, रैकी करता रहा होगा, और वो 500 का एक पूरा बंडल जिसमें 5 लाख रुपए थे वो लेके चोरी करके और चला। सर, आज जो स्टेट बैंक में 5 लाख रुपए की चोरी हुई, उस बारे में बताइए। 5 लाख हमारे कैश काउंटर से चोरी हुई जी। हमारे कैशियर जो थे वो दो मिनट के लिए टॉयलेट गए थे और जो बैठा हुआ था आदमी पीछे से आया और काउंटर से वो पैसा निकाल लिया। सर, वो गार्ड वगैरह अन्य कर्मचारी कहाँ गए? गार्ड तो थे वहीं, हम बाउंड में थे सर, उस समय वहाँ नहीं थे, मतलब हॉल में नहीं थे, बाहर थे। बाकी कर्मचारी दो लोग बैठे हुए थे काउंटर पे, उनके पीछे से गया, उनको समझ नहीं आया कौन की गया है। उसके आने जाने की वो जो सीसीटीवी कैमरा खंगा ले गए हैं, उसमें उसके आने जाने की कोई ऐसा संदेह है आपके लिए, कोई जाना पहचाना व्यक्ति है? जाना पहचाना तो नहीं है कुछ, कोई भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो मास्क भी लगा हुआ था, कैप लगा के रखी थी, फेस तो किसी के समझ में नहीं आ रहा। 17-18 साल का लड़का है। पुलिस में कार्रवाई, पुलिस में एफ आई आर कर दी।